प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने MRS स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं, JEE मेंस का एग्ज़ाम जो है 4 अप्रैल से स्टार्ट हो गया। तो 4 अप्रैल को जो एग्ज़ाम्स हुए उसका क्या पेपर रहा, कैसा पेपर रहा। तो 8, 9 और 12 अप्रैल की परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी। पहले दिन केमिस्ट्री और फिजिक्स की तुलना में गणित के सवाल रहे कठिन, यानी मैथ जो है ज़्यादा हार्ड था, मतलब कठिन सवाल आपके थे। JEE मेन के दूसरे सत्र की परीक्षा गुरुवार से शुरू हुई। पटना के पाटलिपुत्र के केंद्र पर पहली पाली की परीक्षा खत्म कर परीक्षा हॉल से बाहर निकलने वाले छात्र ने कहा, मैथमेटिक्स का पार्ट केमिस्ट्री और फिजिक्स पार्ट की तुलना में कठिन था। कठिनाई स्तर की बात करें तो छात्रों को केमिस्ट्री की तुलना में फिजिक्स के प्रश्न कठिन लगे। छात्रों ने कहा कि मैथमेटिक्स के प्रश्न कैलकुलेटिव और बहुत लेंथी थे। डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो फिजिक्स मॉडरेट था, वही केमिस्ट्री से काफ़ी हल्के सवाल पूछे गए थे, जबकि मैथमेटिक्स में बहुत कठिन सवाल पूछे गए थे। इसमें टोटल 300 प्रश्न थे। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स विषय से 100-100 अंकों के लिए प्रश्न थे। प्रत्येक विषय के 2 सेशन थे। सेक्शन 1 मतलब ए, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न यानी MCQ, और सेक्शन बी में संख्यात्मक प्रश्न थे। सेक्शन बी में उम्मीदवारों को 10 में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना था। गुरुवार को JEE मेन पेपर 1 यानी BE BTEC का पेपर था। JEE मेन पेपर 1 यानी BE BTEC की पेपर 5, 6, 8 और 9 अप्रैल को देश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा। JEE मेन ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सेंटर का गेट आधा घंटा पहले बंद कर दिया जाएगा। NTA ने कहा कि 9 बजे से शुरू होने वाली परीक्षा के लिए 7 से 8:30 बजे सुबह तक प्रवेश दिया जाएगा। वही 3 बजे से होने वाली परीक्षा के लिए दोपहर 1 बजे से 2:30 बजे तक प्रवेश दिया जाएगा। तो ये तमाम बातें यहाँ पे जो है कही गई है। जो लोग एडमिट कार्ड अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं, jeemain.nta.ac.in पर जाकर जो है अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे वो आप लोगों के साथ जो है शेयर किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको सारी अपडेट, सारी जानकारी आपको जो है हमारे चैनल पे मिल सके। मिलते हैं नई वीडियोस में नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।